केरल में ईसाइयों की सभा में हुए सीरियल ब्लास्ट में लोग अब हमास का कनेक्शन खोज रहे हैं। जी हाँ, वही हमास जिससे इसराइल की लड़ाई चल रही है। पूरा सोशल मीडिया केरल ब्लास्ट और हमास के कनेक्शन को लेकर भरा पड़ा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आखिरकार लोगों को ऐसा क्या मिल गया है जो वो केरल धमाके के पीछे हमास का हाथ बता रहे हैं? इसके पीछे का कारण है हमास का आतंकी खालिद मशाल। जिस दिन केरल के मल्लापुरम में ब्लास्ट हुआ, ठीक उसी दिन हमास का आतंकी खालिद मल्लापुरम के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुआ था, जिसका खुलासा किया है केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने। सुरेंद्रन ने सबसे पहले धमाकों के पीछे हमास का कनेक्शन होने को लेकर चिंता जाहिर की थी। केरल बीजेपी की ओर से कहा गया कि केरल में फिलिस्तीन समर्थक कई रैलियां हो रही है, जिसमें खालिद मशाल ने भाग लिया था। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी केरल में जमात इस्लामी की युवा शाखा सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खालिद वर्चुअली शामिल हुआ था। ऐसे में बीजेपी शक जता रही है कि केरल में हुए धमाके के पीछे हमास या कहें खालिद मशाल का हाथ है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा जानने से पहले आपको खालिद मशाल की बायोग्राफी बता देते हैं। खालिद मशाल हमास पोलिट ब्यूरो का संस्थापक सदस्य है। साल 2017 तक खालिद हमास का चीफ भी रह चुका है। बीबीसी में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक खालिद मशाल का वेस्ट बैंक में जन्म हुआ था और फिर कुवैत और जॉर्डन में जाकर वो रहने लगा था। साल 2004 में वो हमास का नेता बन गया और फिर जॉर्डन, सीरिया, कतर और मिस्र में रहकर हमास के लिए काम करता था, लेकिन वो कभी गाजा नहीं किया है। इसराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक खालिद मशाल अभी कतर में रहता है और वहां उसके पास $4 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। केरल से भी अब खालिद का कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। जमात इस्लामी की रैलियों में ये वर्चुअली शामिल भी हो रहा है और इसी बीच यहाँ सिलसिलेवार तरीके से धार्मिक कार्यक्रम में टिफिन बम से धमाके हुए। किसी भी बड़े प्लान की ओर इशारा तो यही कर रहा है। फिलहाल एनआईए की टीम यहां पहुंच चुकी है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनएसजी की टीम भी दिल्ली से यहां आ चुकी है और ये जांच कर रही है कि ब्लास्ट में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था और ये कहां से लाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस घटना को लेकर काफी कंसर्न है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से लगातार संपर्क में भी है। केरल बम ब्लास्ट को लेकर आगे जो कुछ भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।